केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो हम ये काम छोड़कर तेजस्वी यादव का झंडा ले लेंगे। तो देखा आपने कि कैसे प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव का झंडा उठाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। प्रशांत किशोर ने परिवारवाद को लेकर चल रहे सियासी चर्चा के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी तड़ाव पर हमला बोल दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के लड़के हैं, इसलिए वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इससे वो देश के नेता थोड़े हो जाएंगे। दरअसल इस वक्त देश में परिवारवाद को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी पर वंशवाद को लेकर खूब तंज कसा है और कहा कि राहुल गांधी कुछ को कांग्रेस में जो भी पद मिला अपने परिवार की वजह से मिला है, वो देश के नेता थोड़े ना हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने सिर्फ राहुल गांधी पर ही परिवारवाद को लेकर निशाना नहीं साधा है, बल्कि उनके निशाने पर तेजस्वी यादव भी आ गए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की योग्यता क्या है, लालू यादव के लड़के हैं तभी हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, क्रिकेट खेलने गए तो वहां भी पानी ही ढोते थे, इन लोगों को क्या मतलब है इन सब चीजों से, उलूल झुलूल बकवास करते रहते हैं, लोगों को जाति धर्म में बांटा, पैसा शराब लालू का काम किया, पैसा वसूल कर टिकट बांटा, जाति के नाम पर लोग गरीबी मजदूरी में वोट दे रहे हैं, जिसके बाद ये लोग नेता बनकर ज्ञान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं, इसलिए आरजेडी के नेता हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव क्यों पथ निर्माण मंत्री रहेंगे, समाज का जो दबा कुचला वर्ग है जिसका वे दावा करते हैं कि उनको आवाज दे रहे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए। अगर तेजस्वी यादव खुद से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ले लें और जो मुस्लिम मंत्री हैं उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, अगर वे गृह मंत्री हो जाएं तो इससे कौन रोक रहा है। अब वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है, उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष लिखेगा कि दीर्घ लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा यहाँ के महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज्यादा बिहार का है, उनको ये समझ में ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। अगर बिहार का जीडीपी सबसे ज्यादा है तो 28वें नंबर पर कौन है भैया, जीडीपी के मामले में पर कैपिटा जीडीपी में आप देश में सबसे पिछड़े 28वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री कैमरे पर कह रहे हैं कि हम लोग तो देश में सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग का है। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि सर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग का सबसे ज्यादा है, तो जीडीपी और जीडीपी के ग्रोथ का अंतर ही नहीं समझ में आया, बोल दिया कि जीडीपी देश में सबसे ज्यादा है। तो जब आप विद्यालय में नहीं जाते हैं, जब जीवन में पढ़े नहीं, तो यही आपका दशा होगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।